हेलो गाइस, वेलकम टू विजय टेक्नोलॉजी। आज हम आपके लिए लेके आए वन प्लस जैसे प्रीमियम ब्रांड का बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट का अनबॉक्सिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस नॉट सी थ्री के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। हमने ये स्मार्टफोन अमेजोन से ख़रीदा है 18,000 रुपये में बैंक ऑफर के साथ। और ये बॉक्स को हम ओपन करते हैं और अंदर से निकला ये वन प्लस का बॉक्स जिसके ऊपर नॉट 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 की ब्रांडिंग की हुई है। बॉक्स के ऊपर जिस तरह से नॉट 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 लिख के रखा है उस हिसाब से तो लगता है कि वन प्लस नॉट सी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसमें कुछ कम फीचर्स दे के सस्ते में लॉन्च कर देता है। चलिए, तो ये तो हो गई वन प्लस नॉट के बॉक्स के लुक के बारे में बात। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ डॉक्यूमेंट का ट्रे मिल रहा है हमको। चलिए, तो पहले ये डॉक्यूमेंट ट्रे को हम उठा के साइड पे रखते हैं और ये हमारे पास आ गया वन प्लस नॉट सी थ्री का बढ़िया सा लुक और बढ़िया सा कलर वाला स्मार्टफोन। देखने में कलर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं। ये स्मार्टफोन का वेट है 196 ग्राम, लेकिन हाथ में लेने पर ये ऑलमोस्ट 180 ग्राम जैसा फील होता है। ये स्मार्टफोन की बैक पैनल जो इतनी बढ़िया सी दिख रही है वो देखने पर ग्लास जैसी लगती है, लेकिन रियल में ये है प्लास्टिक की। चलिए, तो अभी बॉक्स में और क्या क्या है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हटाते हैं ये वाइट कवर, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक चार्जर है और एक डेटा केबल है। सबसे पहले ये चार्जर जो दिख रहा है वो 80 वॉट का है। अभी फ़ोन हमारा है 67 वॉट का, लेकिन चार्जर क्यों 80 वॉट का दिया है ये एक मिस्ट्री है। चलिए, तो अभी डेटा केबल को एक्सप्लोर करते हैं और ये डेटा केबल निकालने पे वन प्लस का ट्रेडमार्क की तरह हमेशा की तरह ये रेड कलर का केबल है जो वन प्लस की पहचान है। ये केबल को देख के लगता है ये ऑलमोस्ट 1 मीटर का है और ये सी टाइप है। चलिए, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। इस स्मार्टफोन में सबसे पहले तो 6.72 इंचेस का IPS डिस्प्ले दिया गया है। AMOLED डिस्प्ले नहीं है। बैक साइड पे आपको कैमरा सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। बैक कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और इसी के साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसके अंदर 4K वीडियो नहीं चला पाएंगे। ये फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो 67 वॉट चार्जर से नियरली 50 मिनट्स में फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये स्मार्टफोन में आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और ब्यूटी इफेक्ट के साथ आपको बढ़िया सा फोटो लेने में हेल्प करेगा। मेरे पास जो ये वेरियंट है वो 8GB रैम और 128GB रोम का है, जिसके अंदर आप डायनामिक रैम 8GB और क्रिएट कर सकते हो, तो ओवरऑल आपको 16GB की रैम मिल जाएगी जो आपको बड़े से गेम अच्छे से खेलने में मदद करेगी, लेकिन प्रो गेमर्स के लिए ये फ़ोन नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्प्रेड करके रखे हुए, ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट ट्रे के अंदर। और इसी के अंदर आपको मिलेगा एक सिलिकॉन सॉफ्ट कवर जो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लगता है। तो अगर आप प्रो गेमर्स नहीं हो, आपको रेगुलर गेम्स खेलने हैं, बढ़िया से ब्यूटी इफेक्ट वाले फोटोज लेने हैं और आपको 4K वीडियो के बिना चल जाएगा, तो आपके लिए ये फ़ोन बेस्ट है। अदरवाइज़ आप कोई और रेंज की तरफ जा सकते हो, जैसे कि पोको का X5 Pro भी अभी लॉन्च हो चुका है, वो भी इससे 4-5 हज़ार में इससे बढ़िया फीचर्स दे देता है। ये फ़ोन का एक और ड्रॉबैक ये है कि अगर आप डिस्प्ले ऑन करके चार्जिंग में रखोगे तो ये स्लो होगा, लेकिन आप डिस्प्ले ऑफ करके रखोगे तो 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको वन प्लस नॉट सी थ्री के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और ड्रॉबैक्स दिखाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर से रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।